आज हम बात करेंगे झालावाड़ के इतिहास के बारे में। झालावाड़ जो कि मालवा के पश्चिमी छोर पर स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। झालावाड़ मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर है। यह तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह मालवा से राजपुताना को जाने वाले ऐतिहासिक मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। आज हम जिस झालावाड़ को जानते हैं, उसकी स्थापना जालिम सिंह ने सन 1791 में की थी। जालिम सिंह कोटा के रियासत के दीवान थे। क्योंकि यह झाला राजपूतों का गढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम झालावाड़ यानी झालाओं का गढ़ पड़ा। प्राचीन इतिहास की बात करें तो झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर झालरापाटन नामक स्थान है। यह नगर 6वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इतिहासकार इसे पुरातन नगरी चंद्रावती या चंद्रोती का हिस्सा मानते हैं। यहाँ पर हिंदू तथा जैन मंदिरों दोनों के पुरातन काल के अवशेष मिलते हैं। यह एक परमारकालीन नगर था। यहाँ पर हमें राजा दुरांगना मौर्य के शिलालेख भी मिलते हैं, जो कि 7वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इस जगह के बारे में इतिहासकार जेम्स टोड ने उल्लेखनीय कार्य किया है तथा जनरल कनिंगम ने भी इसका काफ़ी उल्लेख किया है अपने कार्यों में। झालरापाटन का 10वीं सदी का सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बना हुआ। यहाँ बना चंद्रमौलेश्वर मंदिर 1300 साल पुराना है। यह मंदिर कलाकृति का अद्भुत नमूना है। यह प्राचीन मंदिरों का समूह पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये मंदिर राजा चंद्रसेन ने बनवाया था, जो कि बाद में मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण कर इसे बहुत नुकसान पहुँचाया। झालावाड़ के पास में ही गागरोन है, जिसका गागरोन का किला विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। इतिहासकारों के मतानुसार यह किला 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। यह किला देखने में अत्यंत सुंदर है, जो कि अहू नदी तथा खाली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। यह जल दुर्ग बिना नींव के ही बना है। यह किला खींची चौहानों की गौरव गाथा का बखान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में बनाया था। यहाँ पर खींची राजाओं ने 300 वर्ष तक राज किया। इस किले के आखिरी राजा अचल दास खींची थे। सन 1423 में होशंग शाह, जो कि मांडू का सुल्तान था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया। होशंग शाह की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके आगे राजा अचल दास की सेना बहुत छोटी थी। पर फिर भी राजा अचल दास आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तथा मरते दम तक युद्ध करते हैं। इस किले में कई महिलाएं भी थीं, जो कि इस्लामी आक्रांताओं की बांदिया या सेक्स स्लेव बनने के बजाय जोहर कर लेती हैं। इस किले को बाद में शेर शाह सूरी और अकबर ने भी जीता। अकबर ने यह किला बीकानेर के पृथ्वीराज को दे दिया था। अब हम वापस आते हैं राजा जालिम सिंह पर, जिन्होंने 1791 में आज के झालावाड़ को बसाया था। राजा जालिम सिंह इस जगह के महत्व को पहचान गए थे, क्योंकि उन्होंने पता था कि होलकर यहीं से होकर कोटा पर आक्रमण करते हैं, तो उन्हें यहाँ किले का निर्माण करवाया। इन्होंने होलकरों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखे तथा उन्हें समय समय पर टैक्स देते रहे। राजा जालिम सिंह का शासन इतना अच्छा और प्रभावशाली था कि कोटा के राजा की शान इनके आगे फीकी पड़ने लगी। कोटा के राजा चाहकर भी इन्हें हटा नहीं पा रहे थे। फिर जब सन 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने कोटा रियासत का एक तिहाई भाग राजा जालिम सिंह के वंशजों को दिया, जिससे कि आज की झालावाड़ रियासत का निर्माण हुआ। इसके बाद राजा भवानी सिंह, जिन्होंने 1899 से लेकर 1929 तक झालावाड़ पर राज किया, उनके काल में कला तथा शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। झालावाड़ एक जंगलों के बीच बसा हुआ कस्बा था, जो कि सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद राजस्थान का हिस्सा बना। विगत कुछ समय में इसका काफ़ी विकास हुआ है। अब यह राजस्थान के मानचित्र पे तेजी से उभरता हुआ एक कस्बा है। तो यह थी झालावाड़ पे हमारी छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारी मेहनत को प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी सलाह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।